हेलो एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है आज की ब्लॉग में। और टाइम हो रहा है लगभग शाम का, बज चुका है 6:30 होने वाला है, 5 मिनट बाकी है। और आज क्या घर में कोई भी नहीं है। दान और गौरी है, वो दोनों गए हैं अपनी बुआ के, अपने पापा के साथ। और बटू भाई जो हम बाकी में सरप्राइज से, बटू अचानक से आ गया था। बटू पढ़ता है अलाहाबाद में, तो वो एकदम से आ गया, तो उस मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग सा था मेरे लिए, हम सभी के लिए एक्चुअली में बहुत सरप्राइज था। बट बहुत अच्छा लगा उसको देख के। और बस बच्चे लोग गए हैं शाम के साथ अपनी बुआ के यहाँ, क्योंकि उनकी बुआ के घर पे है अभिषेक, तो बस वहीं पे गए हैं बच्चा पार्टी सारे। और अभी एकदम से माँ का कॉल आया और माँ ने बोला अंशी काई कर रही है। मैंने कहा कुछ नहीं माँ, बैठी हूँ ऐसी रेस्ट करी। बोले थारी तबियत क्या है? मैंने कहा तबियत अब ठीक है, पहले से बेटर है। तो माँ बोले चल मंदिर चलते हैं, चलेगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे मंदिर। तो आज माँ और बड़े वाले काकी जी हम लोग सारे जने जा रहे हैं मंदिर। और भी देखते हैं और घर से कौन कौन चलेगा, फिलहाल तो हम तीन का तो पक्का ही है। और मम्मी और माँ दोनों को लेके चलते हैं मंदिर। तो आप भी हमारे साथ मंदिर चलिएगा और दर्शन करिएगा। सावन का महीना है, भोले बाबा के भोले शंकर को याद करते हैं और चलिए। तो आज है क्या है, गुरुवार है, आज है थर्सडे और हम चलते हैं मंदिर। तो फिलहाल पहले चलते हैं घर और सबको पिक करेंगे, उसके बाद चलेंगे। टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं मंदिर। और मंदिर हम जा रहे हैं चमत्कारेश्वर मंदिर, तो भोले बाबा का मंदिर है। और हमने करी है आज कैप, तो ये हमारे कैप वाले भैया, और पीछे है खुशी, और ये बाबू जो बर्थडे बॉय अब नहीं रहा है ना अंगोरे, है ना बाबू, इसका 1 साल का बर्थडे हो गया अब। और ये पीछे छोटे बड़े वाले काकी जी और ये माँ बैठे हैं। तो फिलहाल चलते हैं, अभी तो हम लोग अपने एरिया में ही हैं, तो थोड़ा रश हो रहा है यहाँ पे, तो आगे देखते हैं और कितनी दूर तक हमें रश मिलेगा। और हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है और उम्मीद है बारिश मिल जाएगी लौटते लौटते, तो मज़ा ही आ जाएगा। बारिश हो जाएगी तो मज़ा ही बड़ा बड़ा दिखेगा नहीं भाई। तो ये मैं दिख चुकी हूँ और ये रास्ता। तो फिलहाल हम लोग आगे हैं केडिया कॉलेज चौराहे पे और अच्छी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और अब देखते हैं कितनी देर में बारिश शुरू होगी। अभी तो फिलहाल बारिश ना हो तो ये बढ़िया है, आगे जाके पहले हम लोग सारा अपना काम वाम कर लें उसके बाद बारिश हो। तो चलिए फिर आगे चलते हैं और रास्ते में आपसे मिलते रहेंगे। ये बहुत टाइम बाद रेनबो देखने को मिला है और ये रेनबो ना बहुत ज़्यादा बड़ा बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है एक्चुअली में। और आप लोगों को तो आधा ही दिख रहा होगा, मेरे को भी आधा ही दिख रहा है, ये ब्रिज आ गया एक्चुअली इसलिए। बाकी तो यहाँ पे हम भैया को बोलते हैं थैंक यू भैया, बहुत ही बढ़िया राइड थी हमारी। और फिलहाल हम पहुँच चुके हैं मंदिर, वहाँ माँ और खुशी और ये काकी जी और ये बैग, पता नहीं इसमें क्या क्या लेकर आए हैं यार। तो हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, तो मंदिर में जो झांकी है अभी उसी सजावट चल रही है। भोले बाबा की झांकी बहुत ही सुंदर लग रही है और बहुत ही मेहनत करके ये झांकी को सजा रहे हैं। और ये जो मंदिर है अपना, इसका नाम है चमत्कारेश्वर महादेव, जो कि अपना झोटपाड़ा रोड बनी पार्क में है और जस्ट अपोजिट है स्पेस के। और इस मंदिर की ये खासियत है कि इसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग हैं शिव जी के, तो अगर कोई ज्योतिर्लिंग नहीं कर पा रहा है तो इस मंदिर में आ जाए और अपने ज्योतिर्लिंग फिलहाल पौधा टाइमिंग कर सकता है। तो सावन के महीने में तो बेस्ट है ये मंदिर और काफ़ी रश भी रहता है। और एक चीज़ और इस टेंपल की स्पेशलिटी वो है कि जब भी हम इस मंदिर के सामने से निकलते हैं तो हमेशा इस मंदिर के सामने से आप बाय रोड, क्योंकि रोड ही है सामने, तो जब भी आप निकलते हो ना तो आपको दर्शन हमेशा हो जाते हैं भगवान के, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं जो पाठ कर रहे हैं बैठ के नीचे, बड़े बुजुर्ग और काफ़ी सारे लोग हैं जो बैठ के कर रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको हड़बड़ी है मंदिर के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, बहुत सुकून है एक्चुअली में। और मंदिर में तो वैसे ही कोई भी मंदिर अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल भैया लोग झांकी लगा रहे हैं भोले बाबा की और बहुत ही सुंदर श्रृंगार है। Oh,
ये है व्यू बाहर से, और फिलहाल हम चल चुके हैं दूसरे मंदिर की तरफ जो कि है अपने अंबाबाड़ी में। और अंबाबाड़ी में है माता जी का मंदिर है वो, और बहुत ही सुंदर मंदिर है वो। तो ये हो गई माता जी की आरती संपूर्ण, और आरती लेते हैं और भगवान का लग रहा है भोग, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, परिक्रमा लगाते हैं। तो जल्दी से करते हैं माता जी की परिक्रमा, और सभी देवी देवताओं के हाथ जोड़ते हैं, और फिर देखते हैं प्रसाद में क्या है। बाकी यहाँ का जो प्रसाद है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर जो चना है, काले वाले जो चने होते हैं अपने जिसको पिंडी चने बोलते हैं, और हलवा, हलवे है चने का यहाँ पे 365 डेज। आप कभी भी आ जाओ यहाँ पे, आपको हमेशा प्रसाद मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से लगता है प्रसाद, तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। बाकी यहाँ माता जी का जो भोग होता है ना वो तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो फिलहाल अब हम लेते हैं प्रसाद और जल्दी से क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो एक बार आप फिर से हाथ जोड़ लीजिए मेरे साथ सारे जने। और यहाँ पे जो हमारा लल्ला है वो लगा रहा है भोग, उसको खिला रही है खुशी भगवान जी का प्रसाद। हलवा देखो उसके मुंह पे भी लगा लिया है, बहुत चटा रही है, बहुत ही क्यूट टू है। तो हम लोग आगे आ गए हैं, और यहाँ पे है अपने राधा कृष्ण जी का मंदिर। तो इस मंदिर के अंदर ना सभी भगवान हैं, सबसे पहले माता जी, फिर अपने राधा कृष्ण जी, फिर अपने भोले बाबा, फिर अपने राम जी का परिवार भी है, फिर अपने हनुमान जी है। और फिलहाल ये जो झांकी है ना वो बहुत सुंदर लग रही है, और पंडित जी यहाँ पे सभी को प्रसाद दे रहे हैं। तो यहाँ पे आ गई है माँ प्रसाद लेने, और अब यहाँ थाल में ख़त्म हो गया था तो अंदर से लेने गए हैं पंडित जी, ताकि सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। और अब ये आ गए अपने राम जी का परिवार। तो राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये भी। और यहाँ पे कोई शायद सवामणि वगैरह भी करवा रहा है, तो थोड़ा रश भी है, तो यहाँ पे गोट वगैरह भी होती है अगर कोई करवाना चाहता है सावन में या जैसे भी कभी भी। हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं अपने ऑटो में, और बस अब बैठते हैं और आगे खाएंगे पानी पुचके। तो यहाँ पे हमारी डिमांड पर जो रिक्शा वाले भैया थे, काफ़ी अच्छे हैं ये रिक्शा वाले भैया, इन्होंने एक पानी पूरी की शॉप पे रोका है। तो हम लोग खा रहे हैं, मैं और खुशी खा रहे हैं, का माँ खा नहीं रही है, काकी जी को बस एक दो टेस्ट ही करने हैं। बाकी पानी बहुत ज़्यादा टेस्टी है इनका, बहुत अच्छे से भी खिलाया इन्होंने। और अब हम आ चुके हैं घर की ओर, और यहाँ बैठे हैं भाभी, बट्टू और अंशु, और गौरी, गौरी कर रही है अपनी दीदी से काफ़ी सारी बातें चुपचाप से। 10:15 और हम आ चुके हैं घर वापस, और इतनी लेट इसलिए हो गया ना क्योंकि हम घर पे रुक गए थे, और मैं बच्चों का भी वेट कर रही थी वहीं पे। तो गौरी और वेदांत और बड्डू सब उधर ही आ गए थे, तो हम लोग वहाँ पे शिव जी का प्रसाद भी खा के आए जो दीदी ने भेजा था, और बढ़िया भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण करके घर आए हैं, और लड्डू भी था। और ये रही हमारी गौरी, आपने क्या मजे किए वहाँ पे? ऐसी आ गए, हाथ जुड़ के आए भोले बाबा की, क्या बोल के आए? जय भोले, जय भोलेनाथ। ओके, और बुआ कैसी लग रही थी, और फूफू सब अच्छे लग रहे थे? तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तब तक जय शंभू, जय भोले शंकर।